अभी हमारे बालक साहब जी महाराज बोल रहे थे कि भीतर से बाबा साहब ने धोया, कबीर ने धोया, बुद्ध ने धोया, महावीर ने धोया। आज हम उनके गुणगान करते हैं और तमाम महादेवियां जिनकी मंदिरों में प्रतिमा लगी है उनका नाम ले लेकर के लोग पूजते हैं, पूजा करते हैं। वो कोई और नहीं थी, वो आप लोगों में ही थी, जिनको हम सती साध्वी कहते हैं, या वीर रस में विहार करने वाली अवंती बाई, लक्ष्मी बाई, झलकारी बाई, भक्ति रस में विहार करने वाली लक्ष्मी बाई, और तमाम सती साध्वियों में शिक्षा में महात्मा ज्योतिरा फुले के जो घर से थी सावित्री बाई, जिन्होंने शिक्षा का दीपक जलाया, वो कहाँ से आई थी? वो आप लोगों के बीच में थी। तो हमें अपने आप में और सावधान हो जाना चाहिए, अपने जीवन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अरे समुद्र की एक बूंद होती है, लेकिन वही बूंद में गुण होता है जो समुद्र में होता है, क्योंकि उसकी शीतलता वही होती है जो समुद्र में शीतलता होती है, उसकी बूंद में भी वही शीतलता होती है। तो हम मनुष्य हैं, हम भले ही एक एक करके एक एक प्राणी हैं, लेकिन हमारे अंदर में समता और क्षमता वही है, इसलिए कभी हम अपने आप को भूले नहीं, और कभी हमसे कोई ऐसा दुष्कृत न हो जाए। बहन बेटी तो माताएं तो समझती हैं कि हम तो भैया बहन बेटी हैं, ये सत्संग तो पुरुष लोगों के लिए होते हैं, लेकिन बहन बेटियों की जो मैंने बातें बताई हैं, और अब भी वर्तमान में एक बात बताएं, अगर किसी कथा में और सत्संग में बहन बेटी नहीं आए तो सत्संग और कथा में कोई आनंद नहीं आएगा। और एक बात बताएं, बहन बेटियों का ऐसा हृदय होता है कि वो कुछ न कुछ देती चली जाती हैं, और भैया लोग आते हैं और वो हाथ हलाते आते हैं और हाथ हलाते ही चले जाते हैं सीधे। और बहन बेटी अगर दुकान मिल गई तो प्रसाद तो 10 रुपया को जरूर ले आएगी, भैया सत्संग में चल रहे हैं चलो प्रसाद ले चले। इनका हृदय कितना कारुण्य के हृदय होता है इनका, पुरुष से बहुत ज्यादा शक्ति है विशेष इनके अंदर में। एक छोटी सी बात मुझे याद आई है, बताते हैं। एक कोई डोकरा होगो, उसके बेटा थे 4, एक लड़की थी, भैया भी होंगे। तो उसने किसी अपने मित्र को 1 लाख रुपया कर्ज दे रखा था। 1 लाख रुपया कर्ज दे रखा और उन्होंने कहा नहीं किसी से, और अकस्मात अटैक पड़ गया तो उनकी मौत हो गई। अब वो भैया सोच रहा था, उनका मित्र, कि मेरे पास 1 लाख रुपया है और 1 लाख रुपया अब मुझको किसको देना चाहिए? इनके 4 बेटा हैं, 3 भाई भी हैं, तो 1 लाख रुपया मैं किसको दूं, बेटाओं को दे दूं? पर वो भी समझदार आदमी होगा, जब उसकी गठरी टटरी बांध करके और शमशान में ले जाने के लिए तैयार थे, उसी समय वो मित्र आ गया और उसने कही, डटो भैया, तुम शमशान में तो ले जा रहे हो पर मेरे 1 लाख रुपया इन पर कर्ज है, मेरा 1 लाख रुपया का कर्ज है इन पर, और आप इनके चार बेटा हैं, 3 भैया हैं, तो हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है, या तो भैया दे दें या बेटा दे दें या कोई यहां पर हो सो दे दे। भैया ने कही, हम काय को दे दें, हम तो बहुत दिन को न्यारो है गए, वो देंगे तो बाकी मोड़े देंगे बड़े मोड़ा दे कही, अरे नहीं हूं काय को दे दे, हूं तो दादा ने तभी न्यारो कर दो, देंगे तो छोटे भाई देंगे। छोटे ने कही, तू हिस्सा नहीं लेगा? पट लड़े मरे, एक ने हामी नहीं भरी पैसे की। बा ने कही, तो ठीक है कोई नहीं दे रहा है, तुम बाड़ में जाओ, मैं इसके सबको भी किसी को नहीं ले जाने दूंगा, मैं अपने हिसाब से इसके सब में से पैसा वसूल करूंगा। तब तलक उसकी लड़की आ गई, लड़की ने कहा, ये क्या हो रहा है? तो चर्चा में लोगों ने कहा, भैया तेरे पिता पर 1 लाख रुपया कर्जा है,
उनके मित्र का, अब वो दाग देने के लिए नहीं ले जाने दे रहा है शमशान में, वो मांग रहा है कि मेरा 1,00,000 रुपया दें। तो भाई ने भी मने कर दिया, तीनों भाइयों ने मने कर दिया और चारों बेटाओं ने मने कर दिया, तो अब वो दाग लाश को जलाने के लिए नहीं ले जाने दे रहा है। उस लड़की ने कही, क्यों भैया ऐसा क्यों करवा रहे हो, मेरा पिता है ये, चाचा जी हमें पिताजी को तो दाग संस्कार तो करने दो और हम तुम्हारी व्यवस्था बनवाएंगे। बोले नहीं बेटा, व्यवस्था व्यवस्था जो जाए जराए बराए देगे तो फिर मुझे को देगो, मैं कौन पकड़ेंगे, मैं तब तक लाश को नहीं उठने दूंगा तब तक मेरा पैसा नहीं आ जाएगा। तब लड़की ने कहा कि पिता चाचा जी मैं पैसा तो लेकर के नहीं आई हूं, मेरे पास में जो गहने और आभूषण हैं, ये गहने और आभूषण आप रख लो, हमें पिताजी का दाह संस्कार करने दो और हम बाद में आपके पैसे दे दें तो हमारे आभूषणों को दे देना, अंता तुम रख लेना। उस लड़की ने सारे अपने गहने आभूषण जेवर उतार करके और अपने चाचा को सौंप दिए। एकदम सबकी आंखें सजल हो गई, धन्य है ऐसी बेटियों के लिए, धिक्कार है ऐसी संतान के लिए। तब उस मित्र ने कहा, भाइयों मेरे पास इनका पैसा नहीं था, इनका पैसा मेरे ही पास था, मेरा इनके पास नहीं था, मैं तो ये परीक्षा ले रहा था कि देखें अब ये पैसा किसको दिया जाए, अब मेरे पास में 1,00,000 रुपया मैं लाया हूं, मैं इस बेटी को ही दूंगा। अब पता लगा कि ये बेटी ही इन पैसों के लेने के लिए हकदार है, न तो इसके भाई हैं लेने के लिए और न इसके बेटाएं लेने के लिए। धन्य बेटियों के लिए। सज्जनों, हम समाज में हम बेटियों को थोड़ा हेय दृष्टि से देखते हैं, लड़का हैगो तो बहुत अच्छी बात है और लड़की है गई तो मोह लटक गो, मैयो को लटक गो, बाप को लटक गो, पड़ोसी को लटक गो। लोग चाहते हैं हमारे दो मोड़े है जाए और एक मोड़ी है जाए, पर एक बात बताएं हम, दो मोड़े तो है गए और एक मोड़ी है गई, पत्या एक मोड़ा को बहु कहते आवे फिर। अरे तुम्हारे एक लड़का को बहू को देखो, हरेक सबको ऐसे ही चाहते हैं कि हमारे दो लड़का एक लड़की, दो लड़का एक लड़की, तो लड़का कितने गए गए 1,000 और लड़की कितने गए गई 500, तो अभी 500 लड़का भी कुआरे बढ़िया डोलेंगे तो कहा होगा फिर, द्वंद्व होगा क्या, नहीं प्रकृति का बैलेंस बिगड़ेगा क्या, नहीं। इसलिए कितना बढ़िया कहा है किसी विद्वान ने, कहे भैया लड़की का लड़के का सम्मान है घर में और लड़की का सम्मान नहीं, हे पगले इंसान बता क्या लड़की तेरी संतान नहीं। लड़के को कॉलेज भेजे और लड़की को अक्षर ज्ञान नहीं, हे पगले इंसान बता क्या लड़की तेरी संतान नहीं। और कितनी माताएं तो अपने गर्भ में ही उनका हलाल करवा देती हैं, आज भी देखा जाता है। और आज भी देखा जाता है जितनी बच्चियां मिलती हैं डरी परी मरी गिरी, उतने बच्चे नहीं मिलते हैं। आज प्रकृति का बैलेंस बिगड़ रहा है, 1,000 लड़का है तो 800 लड़की हैं। और लड़की की कैसी भावना होती है मेरे भाई बहनों, वो मैंने अभी एक उदाहरण के माध्यम से बताया था कि लड़की की कैसी भावना होती है, लड़की का हृदय कैसा होता है। कहीं सत्संग चल रहा था अभी 2-4 दिन पहली बात है, तो एक लड़की आई और छोटी सी लड़की होगी 3 साल की, हमने पैसा दिया कि मैं भैया को और दे दो, हमने की तो भैया ले आती कि बुखार चढ़ रहा है। बड़े सीधे से मुंह में से ऐसे सूखे से मुंह में से बात कह रहे, मैं देखो कितना प्यार है भाई के प्रति कि भाई बुखार चढ़ रहा है, झें आइए पस्सा तो लेवे और अपन ना ले पाओ तो भैया की सलाह दे पस्सा दे दो। कैसा भाव होता है,
भैया जो दरवाजे के सामने मोटरसाइकिल रखी है वहाँ जगह करते हुए तुम तक दो दफे कह दिया मोटरसाइकिल को हटा लो वहाँ पंगत लगेंगे नहीं। एक भैया कोई मेरे से कह रहे एक कवि ने कल्पना करी एक भजन की और ध्यान रखो कभी कभी कल्पना है सत्य होती है और जितना जो विज्ञान का विकास हुआ है वो कल्पना के आधार से हुआ है। कल्पना खाली नहीं होती है। आज जो जितना वैज्ञानिक विकास हुआ है वो कल्पना के आधार से हुआ है और आपके अंदर में जो आपकी कल्पना है आपकी इच्छा शक्ति है वो सबसे बड़ी शक्ति है आपके पास में। सदगुरु कबीर साहब जी ने ये प्रथम रमेणी में तीन शक्तियों को लेकर के संबोधित किया है अंतर ज्योति शब्द एक नारी। ये तीन शक्तियां आपके पास में अंतर माने भीतर ज्योति माने ज्ञान की ज्योति और शब्द शक्ति जो मैं शब्द बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं ये मनुष्य के ही अंदर में ये आदान प्रदान करने की शक्ति है। ये ज्यादा विशेष करके अन्य और प्राणियों में नहीं है। शब्द से व्यक्ति अपना आदान प्रदान करता है और शब्द के आधार से वो बहुत ऊपर उठ जाता है और शब्द के आधार से वो अपने साधना क्षेत्र में भी प्रकाश कर जाता है। संतों शब्द साधना कीजे और जौन ठौर से शब्द उठते है सोई ठौर लकली। शब्द कहां से उठ रहा है और वहां हम पहुंच जाए अपने लक्ष्य पर तो बस शब्द नहीं रहेगा मात्र शब्द ही बचेगा। शब्द और शब्दी ये समझ लेना फेरा को अक्षर बढ़ा के अक्षरी शब्दी बढ़ा के शब्द और बामन बढ़ा के त्रेपना हमें बतावो मर्द। अक्षर नहीं बढ़ाए अक्षरी बढ़ाए अक्षर को लिखने वाला ओंकार आदि जो जाने और लिख के मेठे ताइसो माने और ओंकार कहे सब कोई और जिन्होंने लिखा सो बिरला। ओंकार को तुम जानते हो ओंकार तुमको नहीं जानता है। शब्द को तुम जानते हो इसलिए तुम शब्द नहीं हो तुम शब्दी हो। लेकिन शब्द एक आधार है शब्द एक साधन है उस शब्द के आधार से तुम अपने केंद्र पर पहुंच सकते हो। कहां से शब्द उठ रहा है तो ज्योति कहिए ज्ञान शब्द कहिए शब्द शक्ति और नारी कहिए इच्छा शक्ति कल्पना शक्ति। ये तीन शक्ति तुम्हारे पास में है तो कवि ने कल्पना की है। कहीं मैं बोल रहा था तो एक भैया कह रहे कि महाराज मैंने जैसे बोला था कि एक लड़की अपने मां के गर्भ में और वो सोच रही थी ये कल्पना है कवि की कल्पना है पर ये कल्पना सही है। क्यों सही है एक व्यक्ति अगर कोई बीज को देखता है तो बीज में आम की गुठली में वो नींव की कल्पना नहीं करेगा। आम की गुठली में वो कल्पना करेगा तो काय की करेगा वो आम की करेगा। आम के पत्ता कैसे होते हैं आम की डाली कैसी होती है आम का फल कैसा होता है खट्टा होता है मीठा होता है तो वो आम की पूरी कल्पना करेगा। अब कोई कह रहेगा जी आम की कल्पना जा गुठली में कहा धरो है आम जा गुठली में पेरे का देखो जहां रस निकलेगा जहां पीड़े आते का जहां में पत्ता आते का तो सज्जनों वहां में अभी कुछ नहीं है लेकिन उसके अंदर में सारी की सारी संभावनाएं छुपी हैं। वो कब निकलेंगी वो कब दिखेंगी जब उसको मौका मिलेगा और जब मौका मिलेगा उस आम की गुठली को तो फिर उसमें से एक पौधा बन करके निकलेगा डंडी निकलेगी कलंगा निकलेगा चार पत्ता निकलेंगे और धीरे 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 और फिर बड़ा हो जाएगा पांच साल में छह साल में और फिर उसमें फल लगेगा। और वो फल कौन सा आया था उसमें जो कल्पना करी थी कि आम का पौधा है तो इसमें आम का ही फल आएगा। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों एक चीज हमको ऊपर की आंखों से दिखती है और एक चीज हमको विवेक की आंखों से दिखती है।
ऊपर की आंखों से जो दिखती है वो स्थूल होती है और भीतर की आंखों से देखते हैं हम वो सूक्ष्म होती है। और ये ध्यान रखो, स्थूल से सूक्ष्म चीज ज्यादा शक्तिशाली होती है। पृथ्वी स्थूल है पर पृथ्वी से जल ज्यादा सूक्ष्म है, तो जल ज्यादा शक्तिशाली है। पृथ्वी को बांध भी देता है और तोड़ भी देता है। कैसे? एक ईंट बनाई तो पानी के संयोग से बनाई। अब वो ईंट पानी में धर दे फिर सुखाएगा तो वो पानी गोद दे। वो पानी से ही पिंड बन गया और पानी से ही पिंड टूट गया। लेकिन अच्छा, अब तीसरी चीज हम उसमें जोड़ते हैं। अब उसी में अगर उसी ईंट को अगर पका दिया जाए आग में, फिर तुम मैं पानी में डाल दो, 100 वर्ष तक पड़ी रहेगी, क्योंकि उसको तीसरा तत्व मिल गया, तीसरी शक्ति मिल गई। अब जल से ज्यादा शक्तिशाली आग है, और आग से भी ज्यादा शक्तिशाली ये हवा है। अगर हवा नहीं हो तो हमारे शरीर में या पिंड में या ब्रह्मांड में कोई भी क्रिया नहीं होगी। तीनों तत्व पंगु हैं, जो वात और पित्त और कफ तीन चीज हैं हमारे अंदर में, लेकिन वो वात के ही आधार से पित्त और कफ संचालन होता है। इस ब्रह्मांड में पूरे में जो क्रिया होती है वो हवा के माध्यम से होती है। अगर पानी आया समुद्र से तो कौन लाया उसको? पानी को कौन लाया? हवा लेकर के आई। इसलिए हवा इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। और ये ध्यान रखो, कोई नहीं है, वस्तु नहीं है बिल्कुल, लेकिन हवा से भी ज्यादा शक्तिशाली आकाश है, उसका नाम है, इसलिए उसको तत्व का नाम दिया है। आकाश में वो गुण धर्म शक्ति क्रिया नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक आकाश है, क्योंकि वो चारों को जगह देते दे रहा है। और आकाश से भी ज्यादा शक्ति भी तुम्हारे अंदर में है, जिसको हम चेतन कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं। भैया बंद कर दो बेटा। हाँ, अरे 10-20 मिनट में को प्यासे मर रहे हैं, बंद कर जाए। बंद कर दो बिल्कुल, बस अब पूजा की तैयारी कर लो। हम एक भजन सुना रहे हैं और साहेब जी से थोड़ा आशीर्वाद सुनेंगे। है तो मैं वो कल्पना पर भजन सुना रहा था, वो भूमिका बन गई है। मेरे से 2-4 लोगों ने कही ये बात, और नए तो वीडियो पर तुम्हारे वक्त हर संडे को नया ही कार्यक्रम आएगा, आप लोग खोल करके देखोगे मोबाइल है तो कही मेरे से महाराज वो भजन सुनाइयो। और इस भजन पर चर्चा भी है लोगों में कि भैया माँ के गर्भवास में वो सोच रही तो झूठी बात है, वो सोचेगा रही होगी, वो तो मूर्छा रहते हैं, मूर्छित रहते हैं, पर नहीं, वो मूर्छित रहती है पर ये कवि की कल्पना है, क्योंकि वो भ्रूण है, उसमें प्राण है, उसमें क्रिया हो रही है, और इसीलिए उसका पाप भी है। तो वो क्या सोच रही है देखो, माँ के गर्भ बास में लाडो, सोच रही है मन में बाहर जाकर कब नाचूंगी माँ के आंगन में मात की गोद भरूंगी की लाज रखूंगी मात की गोद भरूंगी पिता की लाज रखूंगी माँ के गर्भवास में लाडो, सोच रही है मन में बाहर जाकर कब नाचूंगी माँ के आंगन में मात की गोद भरूंगी पिता की लाज रखूंगी मात की गोद भरूंगी पिता की। माँ की गोदी में खेलूंगी मार मार के ललकारी माँ की गोदी में खेलूं
मारे मारे खिलकारी, पिता के कंधा पर बैठूंगी हूँ खुशी अति भारी, हो पिता के कंधा पर बैठूंगी हूँ खुशी अति भारी। शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़ी, हाँ शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़ी, दो कुल की लाज रखूंगी, पिता की शान बनूंगी, मात की साख बनूंगी, मात की साख बनूंगी, पिता की शान रखूंगी, माँ के गर्भवास में लाडो सोच रही है मन में, बाहर जाकर कब नाचूंगी माँ के आंगन में, मात की गोद भरूंगी पिता की लाज रखूंगी, मात की गोद भरूंगी। हमेशा अपनी माँ का ध्यान रखूंगी और अपने पिता की शान बनूंगी और ससुर की साख बनूंगी, क्योंकि ससुर की साख कौन से बढ़ती है, बहू से। बहू के बच्चा होता है तो क्या कहते हैं, कौन को नाती है, फलाने को नाती है, कौन को पनती है, फलाने को पनती है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये एक विशेष बात होती है कि वो कौन से कुल में पैदा होकर के और फिर कौन से कुल को, कौन से वंश को बढ़ाती है, ये एक विशेष बात है। एक परिवार में पैदा भाई और दूसरे परिवार के गोत्र को बढ़ाया, उसके वंश को बढ़ाया, धन्य है। इसीलिए इसको जगदम्बा कहा है, जगत जननी कहा है, आद शक्ति कहा है। देखिए आगे, पता नहीं है प्यारी मैया, डॉक्टर के वो पास गई, खूब चल रहा था, 2 महीना हो गए, 3 महीना हो गए, बड़ा अच्छा चल रहा था। शाम को पति पत्नी बैठे, वो बात कर रहे, पता नहीं है बच्चा हो जाए तो ठीक है, और अगर बच्ची हो गई तो तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, दूसरे के घर की धरोहर, पराए घर को कूड़ो, तो जांच करवा लो डॉक्टर के पास जाकर के। और डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने कहा कि 5,000 लगेंगे, 10,000 लगेंगे, ऑपरेशन होगा। उसने आकर के कहा अपने आदमी से 10,000 लगेंगे, ठीक है अच्छी बात है, तो अब 10,000 में पीछे छूट जाओ, और बाहर आएगी तो अभी 10,00,000 में पीछे नहीं छूटेगा, ताते कोदे कटवाए दो। ध्यान रखो, ये सबसे बड़ा पाप है, अगर संसार में कोई पाप है तो ये सबसे बड़ा पाप है। ऐसा काम कभी किसी बहन बेटी को और किसी भाई को कभी नहीं करना चाहिए। पता नहीं है प्यारी मैया, डॉक्टर के वो पास गई, गर्भवास में जांच कराई, हत्या सिर पर बैठ गई, ओ गर्भवास में जांच कराई, हत्या सिर पर बैठ गई, गर्भवास में कर कर टुकड़ा, अरे बाहर दिया निकाले,
कभी नहीं माफ करूंगी, मात से बदला लूंगी। ऐसे ऐसे औजार, अभी पूजा करने कोई नहीं आएगी बहन बेटी, थोड़ी देर के लिए सभी बैठ जाओ हैं, और फिर थोड़ी देर बाद आइयो, अभी पूजा का मौका मिलेगा। गर्भ बास में कर कर टुकड़ा बाहर दिया निकाल, कभी नहीं माफ करूंगी, मात से बदला लूंगी, कभी नहीं माफ करूंगी। मैं ऐसी माँ को कभी माफ नहीं करूंगी, ध्यान रखो, कितना बड़ा पाप है। और एक बात बताएं, अगर किसी के छोटे से बच्चा पर कोई भी जानवर हमला करे, और चाहे वो गधा का बच्चा हो चाहे सुअर का बच्चा हो, लेकिन वो सबला को सभी रोकने का प्रयास करेंगे। अब वहां को रोके, जब माता पिता ही बैरी है गए, तो वहां उस हमला को कौन रोके? अरे जब बारी खेत को खा जाए, है बारी लगाई तो चलो खेत की सुरक्षा होगी, लेकिन बारी वो खेत खाए उठे तो फिर खेत को कहां ठिकाना है। इसलिए मेरी माता हो, इस बात पर विशेष ध्यान रखना। ऐसा घृणित कार्य समाज के बीच में न कभी करें और न कभी होने दें। देखिए, गर्भवास में कर कर टुकड़ा और बाहर दिया निकाले, कभी नहीं माफ करूंगी, मात से बदला लूंगी। माँ के गर्भवास में लाड़ो सोच रही है मन में, बाहर जाकर कब नाचूंगी, माँ के आंगन में मात की गोद भरूंगी, पिता की लाज रखूंगी, ओ मात की गोद। अब देखिए ये भाव, ये शराब और वरदान सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि में सच्चे नहीं है। सांचे शराब ने ला लिया, सांचे काल ने खाए, और सांचे ही सांचा जो रहे ताकों का नशा है। पर ये शराब है, कैसी भावना है? काय को तेने गर्भवास में मैया मुझे बुलाया, ए अत्यारी मैं बिना बुलाए आई, और कोई बुलाए के चौका में थाली परोस दे सावने, और फिर वापस तलवार और फरसा छोड़ दे, और बाकी टुकड़ा टुकड़ा करके डार दे, क्या ऐसे व्यक्ति को कोई माफ करेगा? इसलिए काय को तन गर्भवास में मैया मुझे बुलाया, हत्यारे पर बेरहमी से मेरा कत्ल कराया, ओ हत्यारे पर बेरहमी से मेरा कत्ल कराया, जन्म जन्म तू बांझ रहेगी, तेरे नाय होएगी संताने, नरक में डूबी मरेगी, कभी नहीं शांति मिलेगी, नरक में डूबी मरेगी, कभी नहीं शांति मिलेगी,
माँ के गर्भवास में लाड़ो सोच रही है मन में, बाहर जाकर कब नाचूंगी माँ के आंगन में, मात की गोद भरूंगी पिता की लाज रखूंगी, ओ मात की गोद भरूंगी। यही कर्म के भोग सामने वक्त पड़े पर आते हैं, गर्भ गिरे और रोगियों में भारी कष्ट उठाते हैं, हाँ गर्भ गिरे और रोगियों में भारी कष्ट उठाते हैं, अमृत भई चेतना जागृत अब ऐसा नहीं करूंगी, अरे अब ऐसा नहीं करूंगी धर्म की राह चलूंगी, पाप से सदा डरूंगी धर्म की राह चलूंगी, माँ के गर्भवास में लाड़ो सोच रही है मन में, पिता की लाज रखूंगी मात की लाज रखूंगी, मात की गोद भरूंगी पिता की लाज रखूंगी, माँ के गर्भवास में लाडो ये बिटिया दोनों कुल युजियारी है मत मारे मात गर्भ में, बिटिया दोनों कुल युजियारी है मत मारे, इसलिए मेरे बहन भाइयों मैंने एक बहन बेटियों के इस भाव को लेकर के और मेरे से कई भाइयों ने कहा था कि महाराज वो भजन सुनाए दियो, वैसे ये भजन YouTube पर पड़ा हुआ है, कोई भी भाई बहन इसको ध्यान से सुने और सुनकर के अपने जीवन में धारण करें। आज इस पावन प्रांगण में ऐसा संकल्प साधे हम कि आज से हम ऐसा काम न करेंगे और न किसी को करने देंगे। संतों का तो यही भाव होता है, पूज्य साहिब जी विराजमान है, इनके आशीर्वाद के शब्द और श्रवण करेंगे और संतों का ये भाव होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।